हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सोल। फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ और इधर ब्रश करने के लिए आई हुई हूँ। अभी मैं ब्रश करूँगी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ये मेरा गांव का सेकंड डिश है, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या करूँगी मेरे डेली लाइफ में। अभी गाँव आई हूँ तो क्या क्या करती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो को देखिए, इंजॉय करिए, बनी रहिए। तो सबसे पहले मैं तो ब्रेड लेती हूँ। ये कोलगेट है, उसको मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। ये कोलगेट है, उसको मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। धोली हूँ मैं अपनी, अपना छोटा सा गार्डन का विजिट कराना चाहती हूँ। आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा है। मैं अपने हाथों से लगाई हुई सब पेड़, ब्लैक टी से ना पेट खराब नहीं होता है, ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं ब्लैक टी। अभी 12 बज चुका है तो लंच हो रहा है, मैं अभी लंच करती हूँ। आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या है मेरा लंच में। तो ये है मेरा लंच वाला थाली। ये लंच वाला थाली में आलू का भुजिया है और मुनगा का साग है और इधर घोड़ा का सब्जी है, मैं अभी खाती हूँ। तो मैं अभी चावल वाला रोटी पकाऊंगी और अभी ओके बोलते हैं कि ऐसा जो चावल होता है ना, मैं उसको पानी में डालूंगी और पीसूंगी, कैसा बनता है आप लोग को दिखाऊंगी। तो पहले उसके पहले हम लोग को साफ करना पड़ रहा है, तो मैं अभी इसको साफ कर लूंगी। सबसे पहले यहाँ पे धान रहता है छोटा छोटा, और तो ऐसे पोछना भी पड़ता है। ऐसे हम लोग की तरफ सूख जाता है, ऐसे क्लीन करना पड़ता है। हम लोग का मुर्गी आए, ये सब खाने आ गई। ले ले मुर्गी। तो मैं इसको पानी में डालूंगी। तो पानी में डालती हूँ, यहाँ पे थोड़ा पानी ले ली हूँ और इसको भिंगा के रखूंगी 1-2 घंटा। उसके बाद में जो सिलेट होता है ना, उसे पीस दूंगी मैं मिक्सी में। नहीं, इसका ज्यादा टेस्ट होता है। ये हो गया, इधर हम लोग इसको डुबा दिए, रोटी बनने वाला है थोड़ा देर में, 2-3 घंटा के बाद में। आप लोग को कैसे बनाते हैं इसको मैं इधर पीछे साइड में रख देती हूँ। इस तरह से 2-2 टुकड़ा करके नीचे बंद कर चले। तो इसमें इसका बीज का छिलका रहता है, उसको साफ करना पड़ता है। मैं आप लोगों को साफ करके दिखाती हूँ ऐसा करते हैं। ये छिलका अलग हो चुका है बीज से, मैं इसको अभी पानी में भिंगा के रखूंगी 2-3 घंटा। उसके बाद में चावल के साथ में मिक्स करके मैं इसको पीस दूंगी। यहाँ पे मैं पानी ले ली हूँ कटोरी में, बड़ा वाला कटोरी में, और इसको भिंगा के रखूंगी। इसे डाल दी मैं, इसको अभी रख दूंगी उधर साइड में। बंद कर कैमरा। चावल और क्या बोलते हैं उड़द को मैं मिक्स कर दी हूँ, ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा लेके दिखाती हूँ पीस के आप लोग को, ऐसा पीसना पड़ता है। देखिए, हम लोग के पास मिक्सी नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा पीसते हैं। और मिक्सी वाला ना टेस्ट भी नहीं आता है, ये वाला ज्यादा टेस्ट आता है। देखिए, पूरा मिक्सी जैसा पीसे हैं हम लोग, ये अच्छा रोटी बनता है, इसका टेस्ट अलग होता है। थोड़ा पानी डाल देती हूँ मैं।
तो मैं सबको पीस के ख़त्म कर चुकी हूँ। इधर मैं बड़ा सा कटोरी में रख दी हूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग के साइड में, हम लोग के साइड में गमला की चिलमची बोलते हैं, उसी में मैं भर दी हूँ, ऐसा रख दी हूँ। इसमें मैं चीनी और सोडा डाल दी हूँ, कल सुबह ये अच्छा हो जाएगा और फूल जाएगा, ये भरा हुआ दिखेगा, ये आधा दिख रहा है ना अभी, पूरा फूल जाएगा। तो मैं कल रोटी बनाऊँगी, आज रख दी हूँ इसको, कल रोटी बनाते हुए आप लोग को दिखाऊँगी। तो अभी तेल घास के गुड़ी को मैं उसमें पका दूंगी, ऐसे पकाते हैं हम लोग रोटी, तावा में गुड़ी पका दिए हम लोग। ये अच्छे से नहीं बन रहा है, गोल नहीं बन रहा है, पर चिपटा चिपटी बन रहा है। हम लोग लकड़ी से पकाते हैं, गैस भी है लेकिन लकड़ी से पकाते हैं। ढक्कन को ढक दिए, फिर ढक्कन उगा दिए, फिर उसको अभी हम लोग पलटेंगे, दोनों तरफ पकाते हैं। हम पलट दिए, ये बन गया रोटी। पक गया, हम लोग अभी निकाल रहे हैं फिर से, ऐसे ही एक एक कर करके पकाते हैं। तो ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, कैसे है मैं आप लोग को बता दूँ। ये पुआ है और ये छिलका रोटी जो धान से बना हुआ है, और इधर टी है, ब्लैक टी। मैं अभी खाऊंगी इसको, खाते हुए आप लोग को दिखाती हूँ ना, बंद कर। तो गैस मैं अभी खा रही हूँ ये रोटी, छिलका रोटी जो धान का बना हुआ है। ये भी धान का बनाया हुआ है, इसको पौवा बोलते हैं। चाय पीऊंगी मैं, गाइस आज के लिए इतने ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।